यकीन। और मैं तो समझता हूँ वसीम भाई कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं ना, वो अल्लाह की ज़ात पे यकीन दिलाने के लिए तो आते हैं कि देखें हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं। इंसान पे कभी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। दिस इज़ वेयर, जैसे हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मैंने तो अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो अगर ये चीज़ें होती ना वसीम भाई, तो कैसे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानते, अल्लाह की पावर का हमें कैसे एहसास होता? बिल्कुल, इशफाक अहमद साहब की बात से आपने स्टार्ट किया था तो मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक शख्स उनके पास गया और कहा कि इशफाक साहब कोई ज़िंदगी आसान करने की टिप दे दें। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मौत आसान करने की टिप ना दूँ? तो कहते हैं चले वही दे दें। कहते हैं अगर तुम अपनी मौत आसान करना चाहते हो तो जाओ किसी की ज़िंदगी आसान कर दो। अल्लाह, तो जो अल्लाह का काम करने वाले होते हैं वो गिला नहीं करते, वो शुक्र करते हैं और लोगों के काम आते हैं। वो सारे काम जो है ना वो अल्लाह पे नहीं डालने, अल्लाह के बहुत सारे काम हैं जो हमने करने हैं। और दूसरा ये कि